नगर पालिका परिषद जामुल के वार्ड 4 का तालाब के विगत 12 वर्ष हो जाने के बावजूद भी आज तक इसकी सफाई नहीं हो पाई है। वही ड्रोन सेट लगाया गया है, चेकर्स टाइल्स भी लगाए गए हैं, लेकिन शीतला तालाब का संधिकरण नहीं हुआ, जिससे लोगों के लिए परेशानियां हो रही है। पूरी बस्ती का है, इसमें बहुत जरूरी है साफ सफाई, इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं प्रशासन और नगर निगम पालिक। ये अति आवश्यक है सभी लोगों के लिए, चाहे छोटे वर्ग हो या बड़े वर्ग हो। इसका इस तालाब में अधिक से अधिक दबाव पड़ता है, यहाँ पे सभी प्रकार का कार्यक्रम होते रहता है और पानी का सब इस तालाब में पानी भरे रहने से और साफ सफाई होने की वजह से क्या है, अपना जो पीने का स्वच्छ पानी है वो सही आएगा। और जहाँ तक हो सके इस कार्य को जितनी जल्दी हो सके अच्छा से अच्छा करे, ये मेरा अपना सुझाव है। ये जनहित में है और इसे कार्य बहुत बेहतर ढंग से होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे वर्ग बड़े वर्ग सभी से जुड़ा हुआ है। हम चाहेंगे इसका फायदा सभी को मिले। पानी अगर स्वच्छ रहेगा तो सभी को ये लिए फायदा होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और जनहित में जनहित कल्याणकारी कार्यक्रम है, इसमें बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा भी लेना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। सफाई अति आवश्यक है, सौंदर्यकरण इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सफाई रहेगा तो सौंदर्यकरण अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन सफाई अति आवश्यक है। क्या है सर, अगर ये जो गंदा पानी है और यहाँ पे पीने के लिए मतलब बोर है जो नल में जा रहा है, इसी को लोग पी रहे हैं, तो इसका जो खींच के मोटर के माध्यम से इसका जो कीड़ा है वो पानी पीने के पानी में जा रहा है, वहां से छन जरूर रहा है, लेकिन जैसा अपन पानी लेते हैं उसमें कीड़ा निकलने लग रहा है। इस ओर नगर पालिका को विशेष ध्यान देना चाहिए और जनता को भी अति आवश्यक जागरूक होना, क्योंकि इसमें सभी लोगों का हित जुड़ा हुआ है, चाहे वो अब पी जैसे दारू पी रहे या कुछ करे, इसमें ना फेंक करके बगल में फेंके। अगर उसका घर में कोई कार्यक्रम जैसा तेरवी हो गया, दसगात्र हो गया, तो इसी में वो पीने वाले भी लोग आते हैं, तो उस पीने वाले लोग भाई से हाथ जोड़ के निवेदन भी है कि वो स्वच्छता को ध्यान में रख के कार्यक्रम करे। यहाँ तो ऐसे है लोग जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसका तो मृत्यु निश्चित है ना। तो उसी प्रकार ये पीने का हम लोगों का पानी हो, चाहे दारू पीने वाला हो, गांजा पीने वाला हो या सामान्य लोग हो, ये हम सभी लोगों के लिए जुड़ा हुआ है। तो पीने वाले भाई लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन हो, चाहे पढ़ा लिखो हो या निरक्षर हो, पिए और पी करके साइड में रखे तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। सफाई होना चाहिए, निस्तारी तो हुआ ही नहीं है अभी तक। निस्तारी के लिए हम आवेदन दिए थे अध्यक्ष महोदय को, सभी वार्ड वासी जी, तो कोई उधर से जवाब ही नहीं आया है। पानी भी गंदा हो गया, क्या चाहते हैं, सफाई होना चाहिए कि नहीं? सफाई होना चाहिए भैया। अब हम लोग बोले अध्यक्ष महोदय को कि तालाब सफाई होना चाहिए, ऐसे बोल के तो बोला कि पानी का निकासी होना चाहिए, खाली होगा उसके बाद सफाई होगा, ऐसा बोला है। तो कम से कम 12-13 साल हो गया सफाई हुए, अभी सफाई हुए। अच्छा, अभी क्या स्थिति है तालाब की? तालाब तो पूरा बदतर हो गया, अभी नहाने के लायक नहीं है। अब इसमें जो हम लोग जो नहाते हैं वार्डवासी, वही बोलते हैं कि इसमें पानी रहे, ऐसे बोल के। अब गंदे पानी में कौन नहाना चाहेगा।